नमस्कार, साक्षरता पत्रिका के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मैसूर के जन शिक्षण संस्थान से प्राप्त रोजगार मूलक शिक्षा पाकर अपना जीवन सुशित बनाने वाले लोगों से। किंतु उससे पहले आइए शामिल होते हैं मैसूर की एक बारात में। मैसूर जन शिक्षण संस्थान की स्थापना 1986 में की गई थी और आज यहाँ 64 कोर्सेज चलाए जाते हैं। कोर्सेज करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जिनसे शिक्षार्थियों को नौकरी पाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जन शिक्षण संस्था अपने संपूर्ण प्रशिक्षण के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ के कोर्सेज स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए महिलाओं के पसंदीदा सिलाई बुनाई कढ़ाई के बहुत ही प्रचलित हैं। यहाँ के निदेशक और उनके कार्यक्रम अधिकारियों की लगन भी अति प्रशंसनीय है। मैं यहाँ की इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम है मोहसिन। यहाँ पर कम से कम एक साल में 400 लड़कियाँ एम्ब्रॉयडरी पास करके जाती हैं और सभी काम अपना बिजनेस कर रही हैं, खुद का या फिर दूसरी जगह पर काम पर हैं। और ये यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी दो भी चीज़ सिखाते हैं। इसमें डिफरेंट स्टिचेस भी हैं और वैरायटी भी है, जैसे पंजाबी वर्क है, शैडो वर्क है, दाढ़ वाड़ स्टिच है, सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पूरे भी स्टिचेस हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। ये कोर्स बहुत लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि ये जो कारीगरी है वो अपने घर पर भी खुद अपने आप भी कर सकती है और अपने बहनों को भी सिखा सकती है। भारतीय महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुंदरता की जो धाक जमा ली है, शायद उसी का परिणाम है कि आज हमारी महिलाएं सुंदरता को कायम रखने की ओर इतना ध्यान देने लगी हैं। इसी मांग को मद्देनज़र रखते हुए जन शिक्षण संस्थान मैसूर ने यह कोर्स शुरू किया है ब्यूटिशंस का। यहाँ से हर वर्ष अनेक महिलाएं यह प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जिनमें उन्हें हाथों पैरों मुखड़े की देखरेख के अलावा मेहंदी और बालों की कटिंग की भी संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। यह कार्य सीखकर वह न केवल अपने आप की देखरेख भली भांति कर पाती हैं, बल्कि उन्हें रोजगार पाने में या रोजगार जुटाने में बहुत सुविधा हो जाती है। और कुछ महिलाएं तो 5,000 से 20,000 तक कमा लेती हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। मेरा नाम है नंदिनी पालाक्षा, मैं यहाँ इंस्ट्रक्टर हूँ और ये सारी मेरी स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ थ्रेडिंग हो रहा है
बस इस थ्रेडिंग में फेसेस के मुताबिक करते हैं, किसी का राउंड फेस होता है, किसी का ओवल फेस होता है, उसके और आंखों को देख के करते हैं। पर वैसे ही हम बहुत मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल और बहुत कुछ सिखाते हैं। इधर 6 महीने का कोर्स है इधर, और 6 महीने के बाद अपने पाँव पे और खड़े हो सकते हैं, पार्लर भी खोल सकते हैं और 3,000 से 15,000 तक वो कमा सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग शमिका विद्यापीठ से जो गए हैं वो कर रहे हैं। नाम योगानंदा है, मैं JSS इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग AC एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेनिंग ले गया। 6 महीने का कोर्स है इधर। मैं पहले काम नहीं था, अब हमारे में वर्कशॉप लेके 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके अब काम चालू कर रहा हूँ। मेरा साथ में रेगुलर में 3 आदमी है और 3 आदमी पार्ट टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। मैं महीने में 10,000 का कमाई कर सकता हूँ। मैसूर जनशिक्षण संस्थान की एक बहुत ही ख़ास बात है और वो ये कि वह फॉलो अप एक्शन करते हैं। जब ट्रेनीज यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं या अपना रोज़गार खोले हुए होते हैं, तो यहाँ के लोग फॉलो अप एक्शन के दौरान देखते हैं कि क्या वे वाकई में खुश हैं, क्या उन्हें जनशिक्षण संस्थान से वाकई लाभ हुआ है। हेलो, ओ म्यूजिक सिस्टम रेडी है क्या? हाँ रेडी है। हाँ ये पूरा रेडी हो? हाँ सही है, परफेक्ट हो। ओ सर एकदम, ऐन तो नहीं है, पूरा काम करता है अभी। हाँ चल सही है, वीडियो ऑडियो पूरा काम इलाका सही है, ऐन तो नहीं है, पड़ता है। कोर्स किधर किया तुमने? हाँ इले मैसूर ले जन शिक्षण संस्थान अली कंप्लीट मारी था। कितने महीने का कोर्स है? ಆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು. ನಾನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ 19 ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, 19 ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು 19 ಮಾಡಿ. ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ದು, ಮತ್ತು VCP VCRS ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಮಂತ್ಲಿ ಕಿತ್ನಾ ಕಮಾಲ್ ಇದೆ ನನಗೆ? ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು 8,000 ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 8,000? ಹಾಂ ನಿಯರ್ಲಿ 8,000. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಸ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಿದೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಸ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪಸ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. आइए मिलते हैं वसंता से, जिन्होंने जन शिक्षण संस्थान से घड़ियों को ठीक करने का एक कोर्स करने के पश्चात यह सफलतापूर्वक अपनी दुकान चला रहे हैं और वहीं के एक कार्यक्रम अधिकारी को अपनी सफलता की कहानी सुना रहे हैं। और यू आपका दुकान अच्छा है ना क्या? बहुत प्रॉब्लम कोई नहीं? नहीं नहीं प्रॉब्लम ट्रेनिंग होना है क्या? ट्रेनिंग इधर JSS में जन शिक्षण संस्थान मैसूर में है ना? एक सेंटर जय मैसूर में उधर में। कितना साल का ट्रेनिंग है? 6 साल का। 6 साल ट्रेनिंग हो तक दुकान का? हाँ दुकान खोल। कितना महीने के कितना पैसे कमा सकते हैं? 8,000 से 10,000। 8,000 से ट्रेनिंग, दूसरी ट्रेनिंग नहीं है? नहीं नहीं। क्या क्या है सेल्स में? है वॉचेस, वॉचेस है, क्लॉक है, कैलकुलेटर। हाँ 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 कैलकुलेटर है। हाँ हाँ और क्या है? वॉल क्लॉक। हाँ वॉल क्लॉक। हाँ हाँ रिपेयर टाइम पीस। हाँ आता वॉच रिपेयर का कोर्स बहुत अच्छा है, तुम्हें भी करो। किधर? JSS। JSS। और जो काम कमाल। हाँ काम अच्छा ऐसा। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। हाँ श्योर।
एक फॉलोअप एक्शन के दौरान अपने पुराने स्टूडेंट सुनील की खबर लेने पहुंची कुसुमा उनके माता पिता के पास। मैडम आपका बेटा कहाँ है? अब वो दुबई में है। हाँ, दुबई में क्या करता है? वो अल्फोटेन प्रिंटर्स एंड पब्लिशिंग उन काम करता है। उधर सेटल होता है? सेटल नहीं है, अभी 6 बरस हो गया। 6 बरस हो गया। कितना कमाई है? 25,000 महीने के, एक मंथ। क्या कोर्स कर दिया JSS में? ऑफसेट प्रिंटिंग का कोर्स। फोटो है आपका पास? हाँ। दे दीजिए। नाइस। एक कोर्स कितने महीने महीने के था? 6 महीने। 6 महीने के था। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था उधर में? मैसूर में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया है। After SSLC, he wanted to join some job oriented course. So in the meanwhile, I have seen an advertisement. Many candidates were there. So I went with him. So I went with him, and he was called after three or four cases. He was called for interview. He has continued for six months, and after six months, some 2 or 3 months training was near a suburb, some factory. Then afterwards, some 8 months he has worked in some factory somewhere in Hebbal area. I arranged passport. He went on visiting visa. See the fun. He went on visiting visa. On the next day, he arrived there. On the next day, he got a chance in a very reputed company. He got free accommodation. He is well employed and he is so happy. So he is continuing there. It is all because of that your old Jan section. Samstha. We are very satisfied with the course. जो लोग technical training देने चाहते हैं, वो मैसूर में जन शिक्षण संस्थान से ऑफसेट प्रिंटिंग का 6 महीने का कोर्स लेना अच्छा है। जॉब मिलने में बहुत आसानी रहेगा। मेरा नाम गोविंद राजू है। मैं इधर JSS मैसूर जन शिक्षण संस्था में 4 मंथ्स का टू व्हीलर ट्रेनिंग ले चुका हूँ। अब मैं गैरेज में काम कर रहा हूँ SGR मोटर्स में। उधर ट्रेनिंग मिलने के बाद में टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों भी ट्रेनिंग मिल रहा है। अब 2-3 महीने में मैं ओन काम करने को चुका हूँ। तो मेरा तनख्वाह है 1,500 है। अब मैं ओन करके दूसरा आदमी को भी सिखाना सकता हूँ, उसके लिए मैं थैंक। JSS जन शिक्षण संस्था टेक्स का ट्रेनिंग करते हैं। मैं SGR मोटर्स का एम्प्लॉयड है। मेरा नाम चिदंबर है। मैं यहीं JSS जन शिक्षण संस्था में पहले ट्रेनिंग लिया था, बाद में मैं SGR मोटर्स में काम में लग गया। मुझे अब 1,500 तक तनख्वाह मिलता है। रमेश अंत, इले SVP फस्ट ट्रेनिंग तकंडिदे, श्रमिक विद्यापीठ जन शिक्षण संस्थे। इले 6 तिंगळ कोर्स बंदि इदु इवाग केलसक्के होय्ता इदीवि। नावु इब्रु पार्टनर माड्ता इदीवि। इवाग 2,000 दिंद 2.5 घंटा तगोतीवि संब ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದೇ 2-2.5 ತಗತ 2,000 ಸರ್ 250 ಹಮೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾ ಸೂಚನಾ ಅನುಸಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆ ಏ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾ ನಾಮ ಶ್ರಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸೆ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬದಲವೋಕೊ ಹೈ ಔರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಸಭಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಔರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಪರ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ और ये साल में कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कोर्सेस, डुप्लिकेटिंग मशीन्स रिपेयर्स, जेनसेट मेंटेनेंस कोर्सेस ले इंट्रोड्यूस करता है। अभी टोटल कितना कोर्सेज होता है आपके यहाँ? अभी 64 टाइप्स ऑफ कोर्सेस वी आर एबल टू डू। और फिर कितने नेक्स्ट ईयर से? और एक और एक 6 or 8 कोर्सेस इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स नंबर 187 कोर्सेस
187 courses. और क्या टारगेट है, कितना लोग को आप ट्रेनिंग करके भेजेंगे एक साल में? तीन से चार हजार लोग को ट्रेन करके भेजने का है। और यह है बाल गोपाल, जिन्होंने जन शिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया और आज बड़ी सफलता से अपनी दुकान चला रहे हैं, जो इनके घर के साथ ही लगी हुई है, जिससे इन्हें बड़ी सुविधा रहती है। मैसूर में जेएसएस में ओकेशनल को कोर्स कंप्लीट किया है और वो उपका कंप्लीट करने के बाद ये दुकान खोली है और मैं और ये पंखा हाउस अप्लायंसेस रिपेयर कर रहा हूँ और इधर हाउस वायरिंग भी कर रहा हूँ। नया दुकान और पुराना दुकान रिपेयर वगैरह है। मैं इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। मेरा इनकम अप्रॉक्सीमेट एक दिन को 200 होता है। मेरा असिस्टेंट भी है, ये रवि कुमार है। मेरा नाम है अरुण कुमार है। मैं फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को जेएसएस मैसूर का ट्रेनिंग करेगा और मंथ आई विल लर्न नियरली 8000 रुपीस। मैसूर जेएसएस वो अच्छा एजुकेशन सोसाइटी है। शिक्षण संस्थान का जहां तक सवाल है, उसमें सिर्फ योजना के नाम पर ही सिर्फ बदलाव नहीं आया है। जैसे कि पहले श्रमिक विद्यापीठ था, तो श्रमिक विद्यापीठ का नाम बदलकर अब जन शिक्षण संस्थान हो गया है। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि और भी कई बदलाव आए हैं। मसलन जैसे कि अब पहले हमारा जो फोकस होता था हमारी योजना का, वो सिर्फ था अर्बन स्लम ड्वेलर्स या बेरोजगार लोग जो भी थे, या जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके परिवार।
लेकिन अब जो है हमारा एक फोकस जो है वो बदलकर पूरा ज़िला हो गया है, तो उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बढ़ गया है, कहाँ एक छोटे क्षेत्र से बढ़कर अब पूरा ज़िला हो गया है। एक बात तो ये बदलाव आया है। दूसरा जो बदलाव ये है कि हमारा अब ये जन शिक्षण संस्थान है वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की दूसरी प्रमुख योजना सतत शिक्षा की जो योजना है उससे उसको संबद्ध कर दिया गया है। सतत शिक्षा की जो योजना है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में, उसमें एक टारगेट स्पेसिफिक प्रोग्राम है हमारा इनकम जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में आय उत्पादक कार्यक्रम कहते हैं। तो उसमें जो है इनकी अहम भूमिका है। तो उसमें जो है हमारे मुख्य संदर्भ व्यक्ति यानी कि की रिसोर्स पर्संस का प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, तो ये प्रशिक्षण जो है हमारे जन शिक्षण संस्थान देंगे। फिर उसके बाद उनके लिए मॉड्यूल्स कैसे बनाएंगे, कैसे वो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा लोगों तक पहुँचाएँ, उससे उन लोगों को प्रलाभान्वित करें, तो इसका जो है प्रशिक्षण जो है हमारे जन शिक्षण संस्थान मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को जिले में देंगे। साथ ही जो हमारे नव साक्षर हैं जो कि TLC और PLC जिसे कहते हैं हमारा जो साक्षरता कार्यक्रम विभिन्न भागों में चल रहे हैं, उनसे पढ़कर आए जो हमारे नव साक्षर हैं उनको जो है विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दे के उनका आर्थिक उन्नयन उनका कैसे हो सके, उनको आर्थिक लाभ कैसे मिल सके, तो इसको भी हमारे जन शिक्षण संस्थान देखेंगे। तो अब जो है 25% का लक्ष्य जो है हमने नव साक्षरों का रखा है कि वो उनको कवर करेंगे, उनको अपने कार्यक्रमों में जहाँ तक संभव हो सके जन शिक्षण संस्थान जो हैं वो 25% नव साक्षरों को भी अपने कार्यक्रमों से लाभान्वित करेंगे। तो ये प्रमुख बदलाव हमारे कार्यक्रम में हमारी योजना में आया है। कर्नाटक की इस दार्शनिक नगरी से अब हम विदा लेते हैं और अगले अंक में देखिए आपको कहाँ ले चलते हैं। तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।